What are the different classes of IPv4 addresses and give the range of each class? IPv4 की जो addressing scheme है उसमें कितने classes हैं और उनके range कितने हैं? इसको जानने से पहले पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो IPv4 है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट, एक बिट 0 या 1 हो सकता है, इसका मतलब ऐसे 32 0101 होंगे। और इन 32 बिट में पहली चीज कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एड्रेस प्राइवेट है, कौन सा एड्रेस पब्लिक है, कौन सा एड्रेस स्पेशल एड्रेस है, कौन सा हमें यूज करना है इंटरनेट पे, कौन सा हम यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, कितने नेटवर्क हो सकते हैं, कितने उस नेटवर्क में आपके होस्ट हो सकते हैं यानी कि आपके कंप्यूटर हो सकते हैं। तो आईपी एड्रेसिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। IPv6 जो आज कल अब एक तरीके से एलिवेशन पे है, आगे बढ़ रहा है, तो IPv6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस है, क्योंकि 32 बिट का एड्रेस और उसमें इतनी क्लासेस और उतनी क्लासेस में इतनी सारी चीजें, आप ये चीजें समझ लें कि खराब हो रही हैं, जगह का वेस्ट हो रहा है, और ये केवल और केवल 4 बिलियन लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है उनकी कंप्यूटिंग नीड्स को या उनको आईपी देना। आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क पे कंप्यूटर का, तो उसके लिए फिर ये IPv6 आया है। लेकिन IPv4 अभी भी चल रहा है, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि इसके 5 क्लासेस हैं, एक ए बी सी डी ई, 5 क्लासेस हैं। ये क्लासेस कैसे बनते हैं या कैसे इसको डिसाइड किया गया, पहले आप समझ लीजिए कि ये जो 32 बिट का मैंने एड्रेस बनाया या बताया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं 192.168.1.152। अब ये जो नंबर है ये आपको पहले मैं बता देता हूं कि ये एड्रेस एक क्लास सी एड्रेस है। जब मैं डिस्कशन खत्म करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास सी मैंने कैसे कहा, क्योंकि ये 32 बिट का एड्रेस है और IPv4 डॉटेड डेसिमल कहते हैं इसको, तो इसमें 3 डॉट होते हैं, 1, 2, 3 और 4 नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर जो होता है उसको हम अगर डेसिमल में बोले तो एक नंबर होगा, लेकिन जैसी बाइनरी में जाएंगे तो ये बिट्स में चेंज हो जाएगा। तो पहले 8 बिट को हम फर्स्ट ऑक्टेट कहते हैं, फिर सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। ओके, अब ये जो ऑक्टेट मैंने कहा इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है, यानी कि बाएं हाथ पे लेफ्ट से शुरू करें तो सारे के सारे जो क्लासेस डिसाइड हुई हैं ए बी सी डी ई, ये सारी की सारी क्लासेस केवल इसी ऑक्टेट से डिसाइड हुई हैं, बाकी ऑक्टेट का इसमें कोई काम नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जो लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है यानी कि ये जो 8 बिट है जो बाएं हाथ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 192 ये जो नंबर है ये कहां से आया, या फिर अभी 192 कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसी फर्स्ट ऑक्टेट से हम डिसाइड करते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। अब कोई भी जो नेटवर्क होता है या कहें कि जो आईपी एड्रेस होगा उसमें दो चीज होगी, या जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हुए हैं, आपके सामने कंप्यूटर है, अब आप एक नेटवर्क से जुड़े होंगे, यहां भी ये कोई साहब होंगे नेटवर्क से अगर आप जुड़े हैं, तो मान लीजिए आपका नेटवर्क है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं और सबके पास कंप्यूटर है या फिर सिस्टम है, तो ये पूरा एक नेटवर्क, ये नेटवर्क कौन सा है और आप कहां बैठे हैं, यानी कि दो भाग हो गए इसके, एक तो ये हो गया कि किस नेटवर्क को आप बिलोंग करते हैं और उस नेटवर्क में आपका होस्ट कौन सा है, होस्ट मतलब आप कंप्यूटर आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे कितने नेटवर्क होंगे और कितने होस्ट होंगे, तो इस क्लास से हर एक क्लास में डिसाइडेड है कि कितने बिट बताएंगे, कितने नंबर, कितने बिट्स होंगे जो हम रिजर्व कर देंगे, और उस रिजर्व करने पर वो डिसाइड हो जाएगा कि ये ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है। तो 2 की पावर जितने भी नेटवर्क बिट्स, में बताऊंगा अभी आपको नेटवर्क बिट्स कैसे निकालते हैं, तो 2 की पावर जो नेटवर्क बिट्स है वो आपको बताएंगे कि कितने नेटवर्क है। जैसे एक नेटवर्क है, अब ऐसे कंप्यूटर तो बहुत सैकड़ों है, हर एक कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क में होगा, एक सिंगल कंप्यूटर भी एक नेटवर्क होता है, अगर आप इंटरनेट पे चले गए तो वो तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। अब उसमें आप कितने बंदे, किसी नेटवर्क को हमने डिसाइड कर लिया या बना, उसमें कितने बंदे हो सकते हैं, कितने आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, वो 2 की पावर जो होस्ट बिट होंगे -2। वैसे तो 2 की पावर होस्ट बिट ही बताऊंगा मैं, -2 हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि जब भी हम होस्ट का आईपी एड्रेस कंप्यूट करते हैं तो 2 डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला वाला होता है, जो भी होस्ट यानी कि इंसानों को, आदमियों को
या लोगों को जो एड्रेस दिए जाएंगे, उनके कंप्यूटर को, उनके मोबाइल को, उनके टैबलेट को जो एड्रेस दिए जाएंगे, चाहे इंटरनेट पे हो चाहे वो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, वहां पर जो नंबर दिए जाते हैं उसमें जो पहला आईपी होगा, यानी कि मान लीजिए यहां से यहां तक रेंज है, तो जो पहला वाला होगा वो तो आपको बताएगा किस नेटवर्क पे हैं आप, किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, और जो आखिरी एड्रेस होगा वो आपको बताएगा कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो ये दोनों तो आपको असाइन, जैसे आप यहां पर है बैठे हैं ना, तो आपको ये दोनों तो असाइन नहीं किए जाएंगे, इसके दरमियान जो होंगे बीच में वो सारे आपको, उनमें कोई भी नेटवर्क मिल जाएगा, डीएचसीपी से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बाकी दो और तरीके हैं जिससे आप असाइन कर दिए जाते हैं, मतलब खुद ही आप कंप्यूटर पर भी असाइन कर सकते हैं। IPv4 में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है उसमें ABCDE यानी कि 5 एड्रेसेस या एड्रेसिंग स्कीम है। जो क्लास ए है वो कैसे डिसाइड होता है और क्लास ई कैसे डिसाइड होता है। अब इसके लिए क्या किया गया कि हमारे पास जो IPv4 है वो 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इनको बिट फॉर्मेट में दिखाऊं आपको, तो यहां पर ये पहला 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट और फिर 8 बिट, और क्योंकि ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेशन है, तो जो पहले 8 बिट है जिसको हम फर्स्ट बिट कहेंगे या फर्स्ट ऑक्टेट कहेंगे, ये पहला ऑक्टेट हो गया, इसमें जो पहला बिट है, ध्यान रखिएगा इस ऑक्टेट का, ये पहला ऑक्टेट अगर मान लीजिए, तो इसका जो पहला बिट है यानी कि ये वाला पहला बिट, ये वाला या फिर ये यहां से देखें तो ये पहला बिट ये वाला, ये फिक्स कर दिया गया है, हमेशा जीरो होगा। अब जो भी फॉर्मेशन बनेगा वो फॉर्मेशन क्लास ए का होगा, यानी कि आप यहां से अगर शुरुआत करें तो पहला नंबर क्या होगा, जैसे आप, मैंने कहा 0000000, पहला क्या होगा 1, यहां से शुरुआत करेंगे। अब इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 1, कहां तक जाएंगे 0, ये तो फिक्स हो गया, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो 1 1 1, फिर 1 1 1 1, अगर इसका आप इस बाइनरी का डेसिमल निकालेंगे तो आता है 127। तो 1 से लेकर 127 तक जो भी आप पहला यहां पर नंबर देखें, आप कह दीजिए कि ये क्लास ए है। अब अगर ये फिक्स कर दिया तो बचते कितने आपके, ये जो 7 बचते हैं यहां से यहां तक 7, वो क्या है, वो ये जो 7 है ये आपका नेटवर्क एड्रेस बताएंगे। कोई भी आईपी एड्रेस वो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में कंबाइंड होता है, इसी आईपी से आप निकाल सकते हैं नेटवर्क एड्रेस क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है। तो जो 7 बिट है यानी कि पहला जो ऑक्टेट है उसमें पहला तो फिक्स हो गया 0, बाकी बचे कितने 7, कितने बचते हैं 7, तो ये जो 7 बचते हैं वो आपके हो गए नेटवर्क एड्रेस, वो आपको नेटवर्क एड्रेस बताएंगे, और बाकी क्योंकि 32 है और आपने 7 और ये 1 8 फिक्स हो गया, 8 हटा दीजिए, बचते कितने 24, तो बाकी जो 24 बिट बताएंगे वो होस्ट होंगे, नेटवर्क मतलब किस एड्रेस, किस नेटवर्क में आप हैं, और होस्ट मतलब एक्चुअल कंप्यूटर आपका, उसका आईपी क्या है। तो कुल मिला के कितने नेटवर्क बन सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस यहां पर आप देखिए, मैंने कहा 7 बिट का होता है, तो 2^7 हम यहां से निकाल सकते हैं। और अगर आप देखें कि हम कितने होस्ट हो सकते हैं, कितने कंप्यूटर या टैबलेट इस नेटवर्क में हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, 2^ बचे कितने, ये 24, यहां से यहां तक देख लीजिए, ये तो आपने ले लिया नेटवर्क के लिए 0 फिक्स करके, और यहां से यहां तक कितने हो गए आपके बचे 24, तो 2^24 आपका कितना हो गया, होस्ट हो सकते हैं, इतने कंप्यूटर या टैबलेट या और बाकी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई, 0.0.0.0 से लेकर, और 0, और यहां मैंने क्या कहा कि आपका 127, 255, क्योंकि ये हाईएस्ट रेंज हो सकता है, और जैसे मैंने बताया कि जो पहला ऑक्टेट होगा यानी पहला नंबर, अगर आप जब आईपी, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, तो 1 से लेकर 127 अगर आपको पहले यहां पर नंबर मिल रहा है तो आप कहेंगे कि ये क्लास एड्रेस है, यानी कि 0 फिक्स, ये 7 आपके नेटवर्क एड्रेस हो गए, इस जहां से लेकर यहां तक आपका होस्ट हो गया, होस्ट मतलब आपका कंप्यूटर। अब आप कहेंगे कि भाई ये 1 से लेकर 126 तक इस्तेमाल होता है, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई 1 से लेकर 127 तक होता है, और अभी आपने कहा, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि 1 से लेकर 126 तक होता है, ऐसे क्यों? उसका कारण यह है कि जो लास्ट वाला जो एड्रेस होगा यानी 127.0.0.0 ऐसे लेकर और 127.255.255.255, ये जो रेंज है ये यूज होता है, वैसे तो हम केवल एक ही यूज करते हैं, अगर आप लूप बैक एड्रेस की बात करें, आप अपने ब्राउजर पे जाएं या फिर आईपी या फिर पिंग करें 127.0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 
0.0.1 इस तरीके से अगर आप करें तो आप देखेंगे कि ये लूप बैक एड्रेस है, यानी कि आपका जो पैकेट है वो आपके कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलता है, वो आपके कंप्यूटर में ही वापस आएगा। केवल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है आपका सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप सोचिए कितना रेंज हमारा खराब हो गया इसमें, मतलब कितने सारे आईपी हम दे सकते थे, लेकिन हम 1 से लेकर 126 तक ही यूज करते हैं, 127 इसमें नहीं यूज करते हैं। अब आप देखिए कि मैंने जैसे कहा ये नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है आपका आईपी। तो अगर हमको नेटवर्क निकालना है कि नेटवर्क कौन सा है उसके लिए क्या करेंगे और होस्ट कौन सा है कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क का काम यही होता है कि वो आपके आईपी में से नेटवर्क अलग कर देगा, होस्ट अलग कर देगा, यानी किस नेटवर्क में है आप ये बता देगा। तो इसके लिए अगर हम यहां पर ये जो है इसको 255 लिखें, यानी कि 1111111, बाकी आप जो है वो सारे के सारे जीरो रखें, .0.0.0.0 ये सारे इसके लिए लिखा मैंने। तो ये जब हम इस नंबर को, जो भी नंबर आएगा हमारा, उसको हम 255 से एंड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपकी, तो वो आपको बता देगा कि ये नेटवर्क है ना। तो बहुत बड़ा अगर कोई नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क, उसके लिए हम ये क्लास ए एड्रेसिंग स्कीम यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 10.50.120.7। अब ये क्योंकि मैं क्लास ए एड्रेस के ही बारे में बात कर रहा हूं तो आपको बनी बात है कि आपको पता लग जाएगा कि ये ए एड्रेस है, क्लास ए एड्रेस है। लेकिन ये क्लास ए एड्रेस है क्यों, इसका रीजन क्या है? पहली चीज ये है कि ये क्लास ए एड्रेस इसलिए है क्योंकि जो पहला नंबर है ये वाला, ये क्या है 10, और पहला ऑक्टेट जो है वो रेंज कहां तक कर सकता है, यानी कि अगर हम ऐसे ये एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये कहां तक रेंज कर सकता है, 1 से लेकर 127, और 1 से 127 के बीच में क्या ये 10 आता है? बिल्कुल आता है। तो जैसे ही ये आपने 10 देखा, आपने बता दिया कि ये पहला जो नंबर है क्योंकि 1 से 127 के बीच में है, वैसे 127 असाइन नहीं करते हैं, 1 से 126 के भी बीच में है, तो आप कहेंगे कि ये क्लास एड्रेस है। इसके बाद जो बाकी यहां से लेकर ये जो यहां तक पोर्शन है उसे हम कहते हैं होस्ट। फिर से बता दूं कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क है, तो कौन से नेटवर्क में है आप वो ये बता रहा है, और कि इस नेटवर्क में आप कहां पर हैं, आपके कंप्यूटर की आईपी क्या है वो, या फिर आपका होस्ट एड्रेस क्या है वो ये बता रहा है। तो जो बाकी का पार्ट हो गया वो आपका होस्ट एड्रेस होता है। अब मैं इसके नीचे एक नंबर लिख दूं कि भाई अगर आपके पास ये सिस्टम है और ये सिस्टम है, दोनों अगर एक ही नेटवर्क में होने हैं, जैसे क्लास ए में होने हैं, तब क्या होगा? तब बस ये है कि जो पहला नंबर है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे मैं इसके नीचे लिख देता हूं 10.47.8.4। अब ये पहला नंबर 10 है, इसका भी पहला नंबर 10 है, तो बस क्लियर हो गया कि ये दोनों एक नेटवर्क पे है, क्योंकि ये क्लास ए एड्रेस है इसलिए आपको पता है कि ये फर्स्ट ही सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिख, बाकी को हम नहीं देख रहे, मत देखिए इसको, एक और एड्रेस लिखता हूं जिसमें 11 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया। तो क्योंकि ये 10 है और ये 11 हो गया, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कि अगर आपके पास ये एड्रेस आ गया तो ये एड्रेस है तो क्लास ए का ही, लेकिन ये आपका, ये मान लीजिए इस नेटवर्क के अंदर है तो ये वाला किसी और नेटवर्क के अंदर होगा, समझ गया? ये एक नेटवर्क में नहीं होंगे, है तीनों ही क्लास ए एड्रेस। IPv4 में जो क्लास बी एड्रेस है, जैसे क्लास ए एड्रेस है क्लास बी, क्लास सी, डी, ई तक होता है, क्लास बी एड्रेस कैसे पता करेंगे आप जानते हैं कि हमारे पास 32 बिट का एड्रेस है IPv4 का, और जो डॉटेड डेसिमल में हम जब लिखते हैं इसको या इसको दर्ज करते हैं, जैसे यहां पर भी आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपके डॉटेड डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो पहला ऑक्टेट है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है क्लास बी एड्रेस का, इसमें जो पहले दो बिट्स है, यानी कि यहां के दो बिट्स कौन कौन से हुए आपके, ये वाला बिट हुआ 10, या यहां देखिए तो ये 10, जो पहले दो बिट है वो 10 से सेट हो जाते हैं, यानी ये फिक्स रहते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे बना? फॉर्मेशन ऐसे बना कि पहला जो दो बिट है वो तो फिक्स हो गया 10, उसके बाद आगे के जितने बिट्स आते हैं, कितने बचे, ये आपके हो गए, आपके अगर मान लीजिए 8 है तो 2 तो चले गए, तो बने कितने आपके, 8 में से यहां से 2 हटा दीजिए तो यहां 6 हुए, और ये आपके कितने हो गए, 8 और 6 हो गए 14। तो ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये 14 बिट जो है वो आपके नेटवर्क एड्रेस को बताएंगे। ध्यान रहे कि किसी भी नेटवर्क, क्योंकि मल्टीपल मिलियंस ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं, तो नेटवर्क को पहले पता करना होता है, जो कि हम इस बिट से पता करेंगे, और उसके बाद आप जो है किस होस्ट पे है या आपका कंप्यूटर कहां है उसको पता करने के लिए, यानी कि
होस्ट एड्रेस की जरूरत होगी। तो उसके लिए अपने पास कितने बिट है, यहां से लेकर यहां तक, यानी ये 8 हो गए और ये 8 हो गए, 8 और 8 कितने 16 बिट हो गए। अब रेंज कितनी हुई इसकी, जब आपने 10 यहां पर फिक्स कर दिया तो कहां से कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत पहला ऑक्टेट है जी, ध्यान रखिएगा। तो पहले ऑक्टेट को देखा जाए तो 10 तो फिक्स हो गया, यहां पर भी 10 फिक्स हो गया। मिनिमम कितना हो सकता है 00000, मैक्सिमम कितना हो सकता है सारे जीरो, क्योंकि ये तो फिक्स है, इनको तो चेंज नहीं कर सकते हम, इसको कर दीजिए 1111111। तो कितना हो गया है? ये जो नंबर बनता है ये है 128, और ये जो नंबर बना पूरा अगर इसका हम डेसिमल में निकालें तो ये बड़ा 191, और बाकी आगे आपके 0.0.0 और इसके बाद ये 255, मैक्सिमम कितना हुआ 255 और .255, ऐसा हो गया। तो कुल मिलाकर रेंज जो हुई 128 से लेकर 191, ये ध्यान में रखना है आपको। और क्योंकि यहां 14 बिट्स है हमारे पास नेटवर्क को पता करने के लिए, तो कुल मिलाकर कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं अगर क्लास बी एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 की घात 14, 2 की पावर 14 यहां से निकलता है। और कितने होस्ट हो सकते हैं पर नेटवर्क, कितने हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपने पास 16 है लेकिन 2 की पावर 16 बनेंगे, 2, जैसे मैंने कहा पहला वाला और आखिर वाला, वो अलग काम में आते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट आखिरी वाला और ब्रॉडकास्ट में आता है, और पहला वाला जो होता है वो नेटवर्क का ही एड्रेस होता है। इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क का काम ये है कि जो आपको बिट या फिर ये नंबर आपको मिलेगा कि भाई ये आईपी है, उससे आपको नेटवर्क एड्रेस निकालना है और साथ में होस्ट एड्रेस निकालना है। इसको अलग अलग करने के लिए अपने पास ये जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.255.x.x। तो ये दोनों जो है ये बेसिकली 1111 है। तो इसको जब हम जो भी हमें आईपी मिलेगा उसके साथ एंड करेंगे तो ये जहां भी ये वाला और ये वाला एंड होगा वही नंबर वापस आ जाएगा। बाकी इससे आपको, क्योंकि ये यही आपको चाहिए ना, यहां से यहां तक ही तो चाहिए, ये नेटवर्क एड्रेस निकल के आ जाएगा, बाकी ये आपको होस्ट एड्रेस बता देगा। तो जो क्लास है इस वीआईपी जो हम बात कर रहे हैं वो खास तौर पे मीडियम नेटवर्क, अगर आपका बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, उस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, खासतौर पर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है 172.16.55.13। पहले हम पता करेंगे कि ये कौन से क्लास का एड्रेस है। आपको क्लियर पता है कि ये क्लास बी का एड्रेस है, कैसे पता किया आपने, क्योंकि आप जानते हैं 128 से लेकर 191 अगर इसके बीच में कोई नंबर आ रहा है इन दोनों के इंक्लूसिव, तो 172 तो इनके बीच में आता है, ये 172 आपको दिख रहा है, तो बस यही से आप पता कर लेंगे कि हाँ साहब ये जो है हमारा पहला ऑक्टेट 172 जो कि 128 और 191 के बीच में आता है वो हमारा क्लास बी एड्रेस है। जो पहले दो नंबर्स हैं, केवल इससे तो ये पता चला हमें 172 से कि ये आपका क्लास बी है, लेकिन क्लास बी में जो 10 तो फिक्स हो गया आपका, जो ये वाला तो फिक्सेशन हो गया, लेकिन नेटवर्क एड्रेस के लिए क्या होता है, ये पूरे 14 बिट चाहिए हमें, 10 फिक्स है, तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि 14+2 पूरे के पूरे जरूरत पड़ेगी आपको, तो यहां से लेकर यहां तक जो नंबर है यानी कि 172.16 ये वाला आपको नेटवर्क बताएगा। और इसको कैसे निकालते हैं, हम इसमें 255.255.x.x कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ये जब लगाएंगे इस पे एंड करेंगे तो हमको 172.16 ये जो मैं बता रहा हूं ये सबनेट मास्क है। तो 172.16 आपका क्या हो गया, ये आपका एक नेटवर्क एड्रेस बता रहा है जो कि क्लास बी है। अब जो बचा उसका क्या करेंगे, 55.55.13 ये आपको बताएगा कि होस्ट क्या है, यानी यहां तो आपको ये जो है 172.16 यहां तक, तो इसके आगे शुरुआत में तो आप जानते हैं .0.0 या .0.1 ये तो आपको नेटवर्क बताएगा, और फिर उसके बाद अंदर का यानी कि 0.55, 0.54 इस तरीके का अलग अलग एड्रेसेस होंगे जो इसके अंदर के होस्ट बताएंगे, जिस जो एक्चुअल कंप्यूटर या फिर टैबलेट या फिर और कंप्यूटिंग डिवाइस इसके अंदर है। तो अगर मैं इसको जरा क्लियर करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक नंबर है 172.16.254.3, तो कैसे पता करेंगे कि ये इसी नेटवर्क में है कि नहीं है, आपको केवल ये दो नंबर देखने हैं। अगर क्लास भी है ये तो आपको 172.16 देखना, ये तो बिल्कुल बराबर है, आप आंख बंद करके कह दीजिए कि हां भाई ये सेम नेटवर्क में है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिखता हूं एक और नंबर 172.55.54.74, तो आप देखिए ये दो नंबर मैच कराने हैं आपको, ये 172.16 ये तो ये मैच कर गया था, लेकिन ये 172 तो मैच कर रहा है, 55 नहीं मैच कर रहा 16 से, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि क्लास बी एड्रेस है। ये तीनों ही क्लास बी एड्रेस है, मतलब क्लास बी एड्रेसिंग स्कीम में आते हैं, लेकिन ये जो
तीसरा वाला है वो इन दोनों से अलग नेटवर्क में है। इसका मतलब ये जो दोनों है ये एक नेटवर्क में है और ये जो तीसरा वाला है ये किसी और नेटवर्क में है। क्लास सी एड्रेस IPv4 में क्लास ए बी सी डी ई ऐसे पांच क्लासेस होते हैं और वो इसीलिए बनाए गए हैं कि प्राइवेट एड्रेस कौन सा है, पब्लिक एड्रेस कौन सा है, स्पेशल जो आईपी एड्रेसेस है वो कौन से हैं, इन सबको बताने के लिए, जताने के लिए, समझाने के लिए सब बनाए गए। अब क्लास सी एड्रेस की मेन बात ये होती है, पहली चीज तो ये है कि आपको जानना होगा IPv4 32 बिट का एड्रेस है और 32 बिट का एड्रेस कैसे बनता है, आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्म में, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये डॉट में सेपरेटेड होते हैं। तो पहले जो तीन इसमें फर्स्ट, मतलब अगर बाएं हाथ से शुरू करेंगे, यहां से बाएं से शुरू करें आप, तो आप देखेंगे कि जो पहले तीन है, पहले तीन बिट, पहले ऑक्टेट के बाएं हाथ से शुरू करेंगे, पहले जो तीन बिट होते हैं वो 110 ये फिक्स हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होते जी। ओके, तो ये आप देखिए 110, यहां पर देखिए 110, ऐसे करके ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 110। इसी से आप पता कर लेंगे कि क्लास सी एड्रेस है। अब जैसे ही आपने ये 110 फिक्स किया ना जी, तो अब इसकी रेंज क्या बन जाती है, पहले मैं ये बता दूं, आपने आपका ये 8 बिट होना चाहिए, तो 110 इसके आगे आप लगा दीजिए 0, चारों गए 0000, ये मिनिमम है क्योंकि 0 मिनिमम है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम कितना हो सकता है, हर 0 की जगह 1 कर दीजिए, इतना मैक्सिमम हो सकता है। तो ये जो नंबर बनता है आपके डेसिमल में ये 192 बनेगा और ये जो बनता है आपका 223 बनेगा। तो 192 और 223 के बीच में, मतलब अगर आप आईपी एड्रेस देखें कोई भी और उसमें जो पहला ऑक्टेट है, जो डॉटेड डेसिमल है, उसमें जो आपका पहला जो नंबर है अगर वो 192 और 223 इंक्लूसिव इसके बीच में आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्लास सी एड्रेस है। अब आप देखें कि यहां पर हुआ क्या, तीन तो आपने फिक्स कर दिए, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये सारे के सारे, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक आपका क्या हो गए, ये नेटवर्क एड्रेस के बिट हो गए। तो नेटवर्क ये तो फिक्स है, इसको तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, नेटवर्क के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, ये आपके 8 है, ये 8 है और ये कितने बचे 4, तो 8 और 8 आपके ये कितने 3 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 है, तो 8 और 8 16, 16 और 5 हो गए 21, तो ये कुल मिला के जो 21 बिट बन रहे हैं ये आपके नेटवर्क एड्रेस को दिखाएगा और बाकी जो आपके ये 8 बिट बनते हैं वो आपके होस्ट एड्रेस को बताएगा। नेटवर्क मतलब बहुत सारे एड्रेसेस हैं, तो पहले तो नेटवर्क पता करना पड़ता है और फिर उसके अंदर कौन से में आप बैठे हुए हैं, कौन सा होस्ट है, वो होस्ट एड्रेस होता है। तो क्लास सी आईपी एड्रेस का रेंज जो है वो मैंने आपको बता दिया, 190 से शुरुआत करें और 223 तक, मिनिमम 00 और मैक्सिमम ये आपका 255। जो रेंज है इसकी, जो पहले ब्लॉक की, मतलब पहले ऑक्टेट की, वो कहां से कहां तक हो सकती है, 192, क्योंकि शुरुआत क्या हो सकती है 192.0.0.0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 192. अब आप देखेंगे केवल होस्ट में ही बदली होगा, तो ये आपको ऐसे रखने हैं, फिर यही बदलेगा क्योंकि होस्ट ही यहां पर बदल रहा है ना, ये हो गया आपका। और इसका लास्ट ब्लॉक, जो आखिरी ब्लॉक है, वो क्या हो सकता है, आखिरी ब्लॉक क्योंकि 192 से शुरुआत कर रहे हैं, 225 हाईएस्ट हो सकता है 0.0, और क्योंकि बदलना इसी को है तो ये 0 होगा, बस इसी को आप 255 कर दीजिए, बाकी सेम रखिए, ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट ब्लॉक का एड्रेस हो जाएंगे, कहां से कहां वेरी कर रहा है। जो इस क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, क्योंकि ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, इन तीनों को यूज करना है, तो ये 255, ये 255 और ये 255, इन तीनों से पता चलेगा कि नेटवर्क एड्रेस क्या है। पूरा का पूरा आईपी एड्रेस जो होता है वो दो भाग में डिवाइडेड होता है, दो भाग, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, नेटवर्क का एड्रेस, और एक होस्ट का, यानी कि आपका एड्रेस, इस नेटवर्क में आप कहां पर है। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क को इसके साथ एंड किया जाता है और उसके बाद आपका नेटवर्क एड्रेस निकाला जाता है, बाकी जो बचता है वो आपका होस्ट एड्रेस है। तो कुल मिला के आपके 21 बिट है नेटवर्क के लिए, तो कुल कितने नेटवर्क बन सकते हैं, इतने नंबर हो सकता है, और कुल मिला के कितने होस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये 80 है 2 की पावर 8, और पहला और आखिरी तो हम इस्तेमाल नहीं करते, उसका काम कुछ और होता है, पहला वाला तो नेटवर्क को बताएगा पर आखिरी वाला आपको वो ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए होता है, तो 2 की पावर 8 - 2 इससे निकलता है, ये फॉर्मूला है इसका। ये जो है क्लासी एड्रेस कहां इस्तेमाल करते हैं आप, मान लीजिए आपके पास कोई छोटा नेटवर्क है, क्योंकि कुछ जैसे कंपनी हो गई, कॉलेज हो गई, वहां पर आप क्लास सी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट लिमिटेड है, बहुत कम है। देखिए होस्ट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 8 - 1 केवल 254, यानी कि अगर मैं एक नेटवर्क बनाता हूं तो उसमें 254 से ज्यादा मैं होस्ट नहीं रख सकता, इतने कंप्यूटर, इतने लैपटॉप, इतने टैबलेट ही रख सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं।
क्लास सी एड्रेस का अगर एग्जांपल देखें तो यहां पर एक नंबर है 192.168.178.1। आपने देखा होगा कि आप जब भी नेटवर्क बनाते हैं या कहीं भी सीखते हैं कॉलेज में या आपको कोई बताता है तो आप अपने कंप्यूटर में इस तरीके का नंबर डालते हैं 192.168। ध्यान रहे, कभी आपने किया होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे नेटवर्क होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो 192.168.178.1 आप कैसे कह रहे हैं ये सी का एड्रेस है, क्लास सी का एड्रेस है, क्योंकि क्लास सी का एड्रेस वेरी करता है 192 से 223, पहला ऑक्टेट। तो अगर आप 192 से 223 के बीच में इंक्लूसिव कोई भी नंबर पहले ऑक्टेट का देखें, आप सीधा कहें कि ये क्लास सी एड्रेस है, 192 तो दिख ही रहा है आपको। अब अगली बात जो आती है कि ये जो पहला है, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑक्टेट जो होते हैं ये आपके नेटवर्क को बताएंगे कि नेटवर्क किस नेटवर्क में है आप, यानी 192.168.178 यहां से यहां तक ये आपको बताएगा किस नेटवर्क में है आप। अब जो बचता है वो 1 है, तो ये जो 1 बचा है ये आपको बताएगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा है, आप कहां पर है, क्योंकि 254 से ज्यादा तो कंप्यूटर या फिर जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिनको आईपी देना है वो इससे ज्यादा इसमें क्लासी में नहीं हो सकते। अब इसके नीचे अगर मैं एक नंबर लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं 192.168.178.something, जिसे 5 लिख दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि ये दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, क्योंकि आपको पहले तीन मैच कराने हैं। ये 192 मैच कर रहा है जी, 168 मैच कर रहा है जी, 178 मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। अगर ये तीनों मैच कर गए तो इसका मतलब ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस एक ही नेटवर्क में। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 192.168, जरा सा एक फेर बदल कर देता हूं, इसको 179 कर देता हूं, बाकी आगे 0.5 ही रहने दीजिए। तो क्योंकि ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, लेकिन ये नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये है तो क्लास सी, ये भी क्लास सी है, ये भी क्लास सी है, लेकिन ये जो है आपका होस्ट किसी और नेटवर्क में होगा जो कि क्लास सी का ही नेटवर्क है। ओके, जो क्लास डी एड्रेस है, आप जानते हैं कि IPv4 में 5 क्लासेस होती हैं, A, B, C, D, E। सारे क्लासेस का पता पहला जो ऑक्टेट है, यानी कि अगर हम 32 बिट का एड्रेस लेके चलें और डॉटेड डेसिमल फॉर्म लें तो हमारे पास 4 ऐसे कहें डेसिमल नंबर्स होते हैं, और जो पहला ऑक्टेट है यही डिफाइन करता है कि कौन से क्लास का एड्रेस है। जैसे अगर क्लास डी की बात कर रहे हैं तो जो पहले 4 बिट है वो फिक्स है, यानी यहां पर अगर 8 बिट है उनमें से पहले 4 बिट आप देख रहे हैं 1110, ये फिक्स है, पहले जो 4 बिट है वो 1110 होंगे। इसका मतलब ये जैसे ही फिक्स हो गया तो मिनिमम कितना हो सकता है इसमें, 1110000, मैक्सिमम कितना होता है, ये तो फिक्स रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1111। तो ये जो नंबर है साहब ये है 224 और ये जो नंबर है वो 239। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास डी का आईपी रेंज है वो है 224.0.0.0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 239, हाईएस्ट हो गया .255.255.255, मिनिमम से मैक्सिमम पे चले गए। अब आप कहेंगे इसका सबनेट मास्क क्या है, क्योंकि क्लास ए का, बी का, सी का सबनेट मास्क हमने देखा, क्लास ए का 255.0.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0, क्लास सी का आप देखे होंगे अपने कंप्यूटर में भी 255.255.255.0, इसका कोई सबनेट मास्क नहीं है। कारण इसका यह है कि मैं एग्जांपल पे आता हूं, क्योंकि जो क्लास डी है वो मल्टी कास्टिंग के लिए रिजर्व है, क्लास डी के जो एड्रेसेस हैं ये मल्टी कास्टिंग के लिए, इसका जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं एक आपका जो पैकेट है या फिर डेटाग्राम है इसको आपको मल्टीपल होस्ट पे पहुंचाना है, एक ही साथ कई होस्ट या कई कंप्यूटर या कई सिस्टम पे पहुंचाना है, तो मल्टी कास्टिंग के लिए आपको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर होस्ट पे पहुंचना है तब तो हम नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों निकालें, यही तो हमने किया था। जो सबनेट मास्क है उसका काम यही है कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को अलग अलग निकालता है वो, और खासतौर पर नेटवर्क एड्रेस निकाल के देता है। यहां पर तो आप मल्टीकास्टिंग का रेंज बन गया आपका, और आपने जो जिसको भी मल्टीकास्ट करना है उसको आपने भेज दिया, है ना। तो क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर होस्ट को एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं भेज रहे, किसी एक पर्टिकुलर मशीन पे नहीं भेज रहे हैं, मल्टीकास्ट के लिए भेज रहे हैं, तो जैसे ही ये एड्रेस आपको दिखाई दे समझ जाइए कि ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो रेंज क्या है, 224 to 239। अब हम एग्जांपल पे आते हैं इसके, ये एग्जांपल देखिए 234 से 239 के बीच में अगर आप देखते हैं कोई नंबर तो आप बोलेंगे कि साहब ये 224 से, आप बोलेंगे ये तो आपका क्लास डी है। अब 227 आप यहां पर देख लीजिए क्या दिख रहा है, 227 तो इसी के बीच में आता है ना, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है आपको, 227 देख लिया बस यही आपका क्लास डी का आईपी एड्रेस हो गया। क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है
IPv4 या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जो स्कीम है, क्योंकि हमारे पास 32 बिट का एड्रेस होता है और ये डॉटेड डेसिमल होता है, यानी कि हमारे पास इस तरीके से पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट, चार ऑक्टेट होंगे। और क्योंकि पहला जो ऑक्टेट होता है यही डिफाइन करता है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या नंबर्स डिसाइड करेगा कि ये क्लास ई एड्रेस है। तो क्लास ई में अगर आप देखेंगे तो जो पहले ऑक्टेट के जो पहले चार बिट है वो फिक्स है। कौन से है वो फिक्स? वो है 1111। ठीक है साहब, पहले जो चार है वो फिक्स है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्लियर फिक्स्ड है। आगे आप क्या करेंगे, इसका रेंज बताएंगे कि भाई कहां से कहां तक जाता है। तो फिर इसका रेंज जो है, क्योंकि यहां पर आपने चार फिक्स कर दिए, अब पहला ही ऑक्टेट में ले रहा हूं वो हो गया आपका 0000। अब मैक्सिमम कितना, ये तो फिक्स है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1111। इनको तो चेंज नहीं कर सकते, मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम वन हो सकता है। तो ये जो डेसिमल है, नंबर है, अगर इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी को तो आपका ये 240 आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 255। तो कोई भी नंबर, कोई भी आईपी नंबर जिसका पहला ऑक्टेट 240 से 255 के बीच में है, उसको आप बता देंगे कि साहब ये क्लास ई का एड्रेस है। तो क्लास, क्योंकि अब यहां पर क्लास ए बी सी वहां पर हमने सबनेट मास्क दिया था, क्योंकि उसमें हमको नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस, आईपी से ही नेटवर्क एड्रेस और जो होस्ट एड्रेस वो निकालना होता था, यहां पर उसकी जरूरत है नहीं। उसका कारण क्या, पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो रिसर्च करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए रिजर्व है ये। आगे का रिसर्च जो होना है उसके लिए फिक्स कर दिया गया है कि भाई अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज करिए ना। ये तो मल्टीकास्टिंग के लिए हो गया, क्लास डी क्लास ही आपका रिजर्व हो गया, तो इसीलिए इसके लिए जरूरत नहीं है कि कोई आपका सबनेट मास्क हो। अब बात आती है 240 से 255 के बीच में। अब मैंने कहा कि भाई एक आईपी एड्रेस है 243.164.89.28, इसको तो भूल जाइए आप। 243 क्या इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल 243 इसके बीच में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि साहब ये जो 243 डॉट समथिंग है वो क्लास ई एड्रेस है।